शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित एक KCM स्कूल में वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी शहादत के सम्मान में नई दिल्ली के भारत मंडप में हुए कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट विद्यार्थियों को दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि साहिबजादों जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह जी जैसा जज्बा हर छात्र छात्रा में होना चाहिए, क्योंकि शौर्य की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। आज हम इन बाल वीरों की कहानी इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि उन जैसे कर्मों की, अपने धर्म पर मर मिटने की और अपने देश से प्रेम करने की भावना की हम सबको जरूरत है, जिससे हमारा देश एक विकसित देश बन सके। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सुपर भारत के लिए सुपरहिट करियर बनाना होगा, अपनी दैनिक जीवन शैली को बेहतर बनाना होगा, जिसमें हमारे खान पान, हमारे व्यायाम और हमारा आराम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे और युवा हमारी शक्ति हैं, इनसे ही भारत को अवसर के क्षेत्र में प्रथम पंक्ति में खड़ा रहने की, मजबूत भारत बनाने का सपना साकार करने की प्रेरणा मिलेगी। भारतीयता की रक्षा करना और देश को आगे बढ़ाना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। वीर बाल दिवस केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जा रहा है। आज हमने गुरु गोविंद जी के बारे में देखा, उनके चार साहिबजादे जिन्होंने इतने गर्व से अपने गले कटवा दिए। उन्हें कोई वो नहीं थी, बस हमारा धर्म होना चाहिए। उन्हें इस बात का गर्व है, भले ही उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन इस चीज़ का उन्हें गर्व है कि हम अपने धर्म पर हमेशा कायम रहें। और हम भी कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बात उम्र से नहीं होती, हमारे अंदर का जज्बा, हमारे अंदर का जुनून, ये हमारे अंदर का जो जुनून है, बस ये हमारे अंदर होना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं और कभी उम्र नहीं देखी जाती। और आज जो हमने कार्यक्रम देखा वो हमें बहुत अच्छा लगा और इससे हम बहुत प्रेरित। इसलिए भी बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बलिदान दिए, उनके जो जुनून था उनकी रगों में, मतलब वो ऐसा था। और मैंने एक कविता भी इस पर याद करी है, मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ कि जिनकी रगों में खून भरा हो देशभक्ति का, वो कभी झुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, चाहे कितने भी तूफान आए, कितने भी भयंकर, साहसी कभी टूट कर बिखर नहीं सकते। आज हमने ये कार्यक्रम देखा कि कैसे सिखों के दो बच्चों ने, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने हमारे लिए क्या क्या किया। उन्होंने कैसे निडर बन के अपनी मुश्किलों का सामना किया, ये हमें बताता है कि वो 5 साल का एक बच्चा था जिसको चुनवा दिया गया, और 7 साल का, जिन्होंने निडर होकर अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और बहुत ही निडरता के साथ हमें ये प्रेरणा दी कि हमें अपने धरती के लिए कुछ कर जाना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। किसका कार्यक्रम देखा आज हमने टीवी पर? हमने इन्हीं सिखों के दो बच्चों का, जो सिखों के जो चार गोविंद सिंह के जो चार साहिबजादे थे, हमने उनका कार्यक्रम देखा जो PM मोदी ने 2022 में आयोजन कराया था। आज उसी क्रम में ये 2023 में ये कार्यक्रम कराया गया था। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के प्रधानाचार्य सुरिंदर सिंह द्वारा सभी छात्र छात्राओं से जोरावर सिंह और फतेह सिंह के गुणों को अपनाने के लिए कहा गया, क्योंकि जोरावर सिंह और फतेह सिंह का बलिदान हमें अपने लक्ष्य और कर्मों पर अडिग रहने की सीख देता है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हमारे बच्चों में कुछ अच्छा कर गुजरने का संकल्प हो तो हमारे देश को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हमें अपने कर्म, अपने धर्म, अपने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देने का जज्बा रखना चाहिए। सर, आज KCM स्कूल में वीर बाल दिवस, जो कि हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है, आज और हमने 23 तारीख को, इन दोनों दिनों में इसको बच्चों को अवेयरनेस कराने के लिए हमारे जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चों की शहादत को याद किया गया और नमन किया गया और बच्चों को प्रेरणा दी गई कि कैसे देशभक्ति हमारे बलिदान से ऊपर है, और अगर हम जैसे बलिदान करेंगे तो हमारी देशभक्ति और हमारे जितना भी देश है वो स्वतंत्र रहेगा। और उसमें बहुत बड़ा बलिदान उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज लाइव टेलीकास्ट के थ्रू भी उनको याद किया गया।